नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश का सम्मान कैसे किया जाता है, ये कोई पूर्व कप्तान विराट कोहली से सीखे। अब आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों के बारे में आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से विराट कोहली ने देश को सबसे ऊपर प्राथमिकता दी है। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला बेंगलुरु में हो रहा है और वहां की ही ये तस्वीर है। विराट कोहली जब बैटिंग करने के बाद फील्डिंग के लिए आए, क्योंकि भारत बहुत जल्दी 252 रन पर ऑल आउट हो गया था, तो बेंगलुरु विराट कोहली का आप समझ सकते हैं होम ग्राउंड है आईपीएल की वजह से। ऐसे में विराट कोहली के लिए बहुत ज्यादा वहां पर फैंस दिखाई दिए। लगातार वो विराट कोहली के नारे लगा रहे थे, एबीडी के नारे लगा रहे थे, साथ ही आरसीबी के लिए भी फैंस नारे लगा रहे थे। और विराट कोहली उस वक्त फील्डिंग कर रहे थे बाउंड्री के पास उन्हीं दर्शकों की तरफ, तो दर्शक लगातार आरसीबी चिल्ला रहे थे। और विराट कोहली इस दौरान भारतीय ड्यूटी पर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि विराट कोहली अभी फिलहाल भारतीय ड्यूटी पर हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता टीम इंडिया है। उन्होंने तुरंत भारतीय टीम की जर्सी ऊपर कर दी और बता दिया कि भारतीय टीम सबसे ऊपर। उसके बाद उन्होंने अंदर जो जर्सी पहनी थी वो लाल रंग की थी और आरसीबी के कलर से मैच करती थी, और उन्होंने वो जर्सी भी दर्शकों को दिखाई। और इस तरीके से उन्होंने बताया कि अभी मैं भारतीय ड्यूटी पर हूँ, तो सबसे ऊपर मेरे लिए भारत ही है, उसके बाद आरसीबी है या जहाँ मैं खेलूँगा उस टीम के लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विराट कोहली जिस ड्यूटी पर हैं और भारत उनके लिए सबसे ऊपर, इसीलिए उन दर्शकों को उन्होंने बिना कुछ कहे ये बता दिया कि अभी मैं भारत की ड्यूटी पर हूं और देश प्रेम से बढ़कर अभी कुछ भी नहीं है। आईपीएल 26 मार्च से शुरू होगा, उसकी ड्यूटी पर मैं 26 मार्च से होऊंगा, तब वहां पर मेरी प्राथमिकता क्रिकेट होगी, लेकिन भारत से बड़ी प्राथमिकता कोई भी नहीं हो सकती है। और विराट कोहली ने केवल ये जर्सी दिखाकर सभी फैंस को बता दिया। उसके बाद फैंस भी आरसीबी के नारे बंद कर चुके थे और वो केवल विराट 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 ही चिल्ला रहे थे। ये देखने के बाद वहां पर एक अलग सा माहौल बनता हुआ दिखा, लोगों में अलग सा उत्साह दिखा, क्योंकि बेंगलोर में विराट कोहली बहुत लंबे समय बाद पहुंचे थे और आईपीएल आप समझ रहे हैं कि 2 साल से हो नहीं रहा है होम ग्राउंड पे, तो बहुत ज्यादा फैंस ने विराट को नहीं देखा था। ऐसे में जब विराट को उन्होंने इतने लंबे समय बाद देखा तो वो अपने भावनाओं पर काबू नहीं कर सके और आरसीबी एबीडी विराट विराट ही पूरे बेंगलोर में गूंजता रहा। लेकिन विराट कोहली ने इस एक वाक्य से ये बता दिया कि अभी देश प्रेम सबसे ऊपर, उसके बाद कोई आईपीएल मैच, कोई आईपीएल टीम, कोई आईपीएल फ्रेंचाइजी ही आएगी और ऊपर हमेशा भारत की ही जर्सी रहेगी। फिलहाल विराट कोहली ने जिस तरीके से देश प्रेम को सबसे ऊपर रखा है और बताया है कि भारत से बड़ा कुछ भी नहीं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।